नमस्कार, नीट कैचअप में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा और आप सुन रहे हैं आज दिन भर की सुर्खियां। सऊदी और रूस के बीच चल रहे तेल कीमतों के युद्ध पर बोले डोनाल्ड ट्रंप, कहा युद्ध खत्म करने के लिए मध्यस्थता को हूं तैयार। भारत ने अफगानिस्तान और तालिबान के बीच सुलह प्रक्रिया का किया स्वागत, विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए बताया सराहनीय कदम। दिल्ली हिंसा मामले में पुलिस ने जामिया छात्र मीरान हैदर को पूछताछ के बाद किया गिरफ्तार, हैदर आरजेडी स्टूडेंट विंग की दिल्ली इकाई का है अध्यक्ष। इंदौर में कोरोना की जांच करने गई मेडिकल टीम पर स्थानीय लोगों ने किया पथराव, पुलिस ने किया 7 लोगों को गिरफ्तार। कोरोना वायरस से अमेरिका में सिर्फ एक दिन में हुई 884 मौतें, अब तक 2,13,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं संक्रमित। देश में 4 दिनों में दुगने हुए कोरोना के मामले, अब तक देश भर में हो चुकी है 50 की मौत और करीब 2,000 लोग हैं संक्रमित। लॉकडाउन के बीच केरल सरकार ने दी शराब बिक्री की मंजूरी, हाई कोर्ट ने सरकार के आदेश पर लगाई रोक। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरों के बीच रूस में लग सकती है इमरजेंसी, राष्ट्रपति पुतिन ने दी विधेयक को मंजूरी। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आगे आया टिकटॉक, मेडिकल स्टाफ के लिए मुहैया कराएगा 100 करोड़ की कीमत के 4,00,000 प्रोटेक्टिव सूट। लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए सुनते रहिए न्यूज कैचअप। धन्यवाद।